नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रकार की सब्जी अरबी के बारे में। जमीन के नीचे उगने वाली अरबी कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के काम आती है। क्या आपको पता है, यह स्वादिष्ट सब्जी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। पहले यह सब्जी सिर्फ एशिया में मशहूर थी, लेकिन इसके स्वाद और स्वास्थ्य के गुणों के कारण यह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ अरबी खाने के स्वास्थ्य लाभ की चर्चा करेंगे। अरबी में मौजूद फाइबर और स्टार्च आपको हृदय रोग के जोखिम से बचाकर स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। शोध में पाया गया है कि जिन लोगों के आहार में फाइबर मौजूद होता है, उन्हें हृदय रोग होने की आशंका कम होती है। अरबी में मौजूद रेसिस्टेंस स्टार्च फाइबर की तरह ही काम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अरबी को पॉलीफेनोल्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। पॉलीफेनोल्स में कैंसर के जोखिम को कम करने की क्षमता होती है। पॉलीफेनोल्स कैंसर सेल को बढ़ने से रोकते हैं, साथ ही ट्यूमरजेनिक कोशिकाओं को भी कम करने में मदद करते हैं। ये ट्यूमरजेनिक कोशिकाएं ही होती हैं जो ट्यूमर को बढ़ाकर कैंसर का कारण बनती है। अरबी खाने के लाभ ये हैं कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिस कारण यह हमारे पाचन तंत्र के लिए उत्तम है। फाइबर की मदद से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है, जिस कारण भोजन को पचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह गैस, ऐंठन, कब्ज और दस्त जैसी बीमारी को भी रोकने में मदद करता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अरबी को फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। फाइबर के सेवन से भूख कम लगती है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। कम आहार लेने से वजन में गिरावट आने लगती है। मोटापे से पीड़ित लोग वजन कम करने के लिए अपने भोजन में फाइबर से युक्त अरबी को शामिल कर सकते हैं। अरबी के पत्ते में एंटी इंफ्लेमेटरी, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी कैंसर व एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में उच्च रक्तचाप ऐसी कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विटामिन ई और विटामिन सी जरूरी पोषक तत्व हैं। वहीं अरबी में विटामिन ई और सी दोनों ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अरबी को आहार में शामिल करने से हमें विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही प्राप्त होंगे, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर किया जा सकता है। अरबी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो बढ़ती उम्र में आँखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ए, सी और जिंक जैसे जरूरी तत्व भी पाए जाते हैं, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाकर इससे होने वाली बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं। अरबी में उच्च स्तर का फाइबर होता है, जो आँत में फंसे भोजन के रेगुलेशन और पाचन में सहायक बनता है। अरबी के सेवन से फाइबर हमारे पेट में पहुँचता है और इससे पाचन तंत्र को बेहतर होता है। साथ ही कब्ज की बीमारी भी दूर होती है। अरबी में एक विशेष प्रकार का रेसिस्टेंस स्टार्च भी पाया जाता है। यह भी पेट को साफ रखने और पाचन तंत्र को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन को नियंत्रित करने में डायट्री फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अरबी में फाइबर और रेसिस्टेंस स्टार्च होता है, जो टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। प्रतिदिन अरबी के सेवन से पर्याप्त फाइबर प्राप्त होता है, जो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बेहतर तरीका साबित हो सकता है। अरबी में विटामिन ए, सी, बी, तांबा, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन और क्रिप्टोक्सांथीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ही कई प्रकार की बीमारियों से बचना आसान हो जाता है। साथ ही अरबी में प्रोटीन की मात्रा भी होती है, जिस कारण बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने में मदद मिलता है। अरबी में ऑक्सालिक एसिड होता है। पत्तियों और जड़ों में मौजूद यह एसिड त्वचा और मुंह में जलन पैदा कर सकता है। अधिक मात्रा में ऑक्सालिक एसिड का सेवन करने से पथरी की समस्या हो सकती है। यूरिन में कैल्शियम ऑक्सालेट और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने के कारण किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। अरबी में ये तीनों ही पाए जाते हैं। इसके अधिक सेवन से किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बहुत कम हो जाता है। चूंकि अरबी मधुमेह के लिए अच्छी है और इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट रक्त में मौजूद शुगर को कम करने में कारगर है, इसलिए इसका सेवन करते समय यह ध्यान देना होगा कि अरबी की अधिक खपत से रक्त में शुगर के स्तर में गिरावट आ सकती है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो अरबी खाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि अरबी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।